जैसा कि आपने देखा श्री हनुमत धाम का ये नज़ारे, और यहाँ पर हनुमान जी की जो विशेष प्रतिमाएं हैं उनको भी मैं दिखाया हूँ। 1.25 लाख से निर्मित यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनको भी दिखाने का प्रयास किया हूँ, लेटे हुए हनुमान जी। विभिन्न मुद्राओं में हनुमान जी की आपको 1.25 लाख मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। कभी भी अगर आप लखनऊ आते हैं तो इस हनुमत धाम मंदिर के दर्शन जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहां पर मैं उपस्थित हूं। इस समय हनुमत धाम डालीगंज में हूं। काफी मनोरथ सिद्ध करने वाला स्थान हनुमत धाम के नाम से प्रसिद्ध है, गोमती नदी के किनारे, जिसको आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए और यहाँ के हनुमत धाम मंदिर का दर्शन कीजिए। सब दिखाऊंगा यहाँ के जो अद्भुत नजारे हैं और यहाँ की जो प्रसिद्ध बात है, 1.25 लाख मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं श्री हनुमान जी की। गणेश जी महाराज की प्रतिमा विराजित है यहाँ पर। 1.25 लाख मूर्तियों से हनुमान जी की यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई है और यहाँ पर सामने ही श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा विराजित है। जिस साथी लोग आए हैं इस हनुमत धाम में, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हर्ष गुप्ता है। आप यही लखनऊ से हैं? जी लखनऊ से। कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं हनुमान जी के? देखिए वैसे तो कभी हनुमान जी ने बुलाया नहीं, आज उन्होंने बुलाया तो हम पहली बार आए हैं। जी क्या अच्छा लगा आकर के यहाँ पे? देखिए यहाँ का जो वातावरण है जी वो बहुत अच्छा है और प्रभावशाली है जी। बाकी बाबा की कृपा है जी, वो जिनको बुलाते हैं वो धन्य हो जाता है जी। शेष दया रहती है उन भक्तों के ऊपर जो यहाँ पे हाजिरी लगाते हैं। ये माता जी भी आई है। माता जी क्या कहना चाहेंगे हनुमत धाम के बारे में? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बना हनुमत धाम। आप बहुत बढ़िया। यहाँ पर विराजित है श्री हनुमान जी महाराज की विशाल प्रतिमा, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लखनऊ और अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों की अपार भीड़ आज दिन शनिवार हुई है और आज के दिन श्री हनुमान जी के दर्शन बहुत ही शुभ होते हैं और ये चैत्र मास भी चल रहा है। जैसा कि हनुमत धाम की भक्ति इस मास में बहुत ही सुगम रहती है और लोगों को फलदायक होती है। और यहाँ पर विराजित है श्री हनुमान जी महाराज की सर्व मनोकामना दायक यहाँ पर मूर्ति, जिसको काफी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सभी लोगों के अभिष्ट वरदान यहाँ से सिद्ध होते हैं। मैं उस जगह पे आया हूँ, डालीगंज लखनऊ में स्थित है, डालीगंज गोमती नदी के किनारे हनुमत धाम के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। पर जो पंडित जी है मैं उससे भी बातचीत करूंगा। आप अपना? मेरा नाम पंडित दिव्यांश तिवारी है, मैं लखनऊ के रहने वाला हूँ। ये हनुमत धाम जो काफी प्रसिद्ध है, यहाँ से सब लोगों की मनोरथ कार्य सिद्ध होते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ प्रसिद्ध बोले? हनुमत धाम बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे 1.25 लाख हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई है, छोटी बड़ी प्रतिमाएं मिलाकर। यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि 1.25 लाख मूर्तियों से बना ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। मंदिर के प्रांगण के नीचे भी यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हैं यहाँ पर श्री हनुमान जी की, और यहाँ पर आकर के श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। मंदिर के पृष्ठ भाग में एक पार्क जैसा बनाया गया है, जहाँ पर फव्वारे और यहाँ पर नाना प्रकार के पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। स्वच्छ वातावरण और यहाँ का मनमोहक नजारा देखने को मिलेगा इस हनुमत धाम मंदिर में आपको। यहाँ पर अक्सर शाम के समय पर बहुत ही भक्त लोग आते हैं। मंदिर के पृष्ठ भाग में अन्य भी मूर्तियां स्थापित हैं, जैसे राधा कृष्ण की, और यहाँ पर शिव जी की भी प्रतिमा विराजित है। सभी देवताओं की प्रतिमाएं मंदिर के पृष्ठ भाग में लगाई गई हैं। गोमती नदी के किनारे पर ये स्थित बहुत ही सुंदर और मनमोहक यहाँ का वातावरण भी है। अक्सर यहाँ पर शाम को बहुत ज्यादा भीड़ होती है, काफी लोग आते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। अपना नाम बतावें? कितने दिनों से आ रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए? हम आज ही आए। अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। निरुपम श्रीवास्तव। आप यही लखनऊ से हैं? जी। कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ 3 बार आ चुके। 3 बार आ चुके। क्या अच्छा लगा यहाँ पे और क्या व्यवस्थाएं की? साफ सफाई है जी, रोशनी है जी, थोड़ा जो है मंदिर है तो श्रद्धा भी है जी, और टहलना भी हो जाता है। कोई ऐसी चीज हो जिसमें एक आप सलाह के रूप में बताएं कि ऐसा किया जाए तो और भी सुगम रहेगा, आने जाने वालों को परेशानी नहीं होगी?
प्रसाद जो है जो वितरण यहाँ जो है नियम बनाया गया है कि सिर्फ मंदिर से ही खरीद के जो है चढ़ाएंगे, बाहर से नहीं खरीद सकते, बाहर से खरीदा हुआ नहीं चढ़ा पाते हैं जी। तो ये जो है एक वो समस्या है। दूसरी समस्या ये जो चरण पादुकाएं होती हैं भक्तों की, उसके रखने की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, उसकी अगर व्यवस्था की जाए तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको बहुत सुगम रहेगा, बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी कि किसी कॉर्नर में उसकी रैक वैक बना करके जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था बनाई जाए। पवन तनय बल पवन समाना, भजन की मुद्रा में यहाँ पर हनुमान जी विराजित हैं। धाम में भी श्री हनुमान जी महाराज को भजन की मुद्रा में यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर विराजित है हनुमान जी की प्रतिमा। के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जो क्या नाम है आपका? मेरा प्रभात धनीवंशी नाम है। आप कहाँ से आए हैं? ये मैं लालबाग खंडारी बाजार एरिया। यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा? आज मैं ये है पहली बार आ रहा हूँ। हम तीनों छोटे मेरे भाई हैं जी। आज हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा लगा दर्शन करके बजरंगबली बाबा के, और यहाँ पे इतनी यहाँ पे जो ट्रस्ट है उसने फैसिलिटी दी है, कई फैसिलिटी दी है कि आनंद जैसे पार्क बनवाया है कि लोग आके यहाँ पे दिन में बैठते हैं, अपना जो है थोड़ा अच्छा समय बिताने के लिए यहाँ पे भी आते हैं। दर्शन तो बाबा के करते ही करते हैं, साथ में यहाँ पे अपना जो है दिन भर की थकान है वो शाम को उतारने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं भैया जी ने बताया कि बहुत ही सुदृढ़ है, यहाँ की जो ट्रस्ट है बहुत अच्छी व्यवस्था करती है। मैं ट्रस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री हनुमत धाम मंदिर में सबसे प्राचीन मूर्ति श्री हनुमान जी की यहाँ पर विराजित है और यहाँ पर बहुत ही लोगों से जानकारी प्राप्त करने के पता चला कि ये सबसे पुरानी मूर्ति श्री हनुमत धाम की है। धीरे धीरे विस्तारीकरण करके यहाँ पर अन्य मूर्तियां भी स्थापित की गई है, लेकिन सबसे प्राचीन मूर्ति यही बताई गई है। भक्तों द्वारा अखंड यहाँ पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदर कांड का पाठ अनवरत चलता रहता है और यहाँ पर आने वाले भक्तों ने अपने भजनों की भी प्रस्तुति की है, जिसको भी मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। जैसा कि आपने देखा श्री हनुमत धाम का ये नज़ारे और यहाँ पर हनुमान जी की जो विशेष प्रतिमाएं हैं उनको भी मैं दिखाया हूँ। 1.25 लाख से निर्मित यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनको भी दिखाने का प्रयास किया हूँ। लेटे हुए हनुमान जी, विभिन्न मुद्राओं में हनुमान जी की आपको 1.25 लाख मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। कभी भी अगर आप लखनऊ आते हैं तो इस हनुमत धाम मंदिर के दर्शन जरूर करें। और इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।